अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज 14 सितंबर को देवास जिला जेल में जिला विधिक सेवा समिति देवास के सहयोग एवं जन साहस संस्था के माध्यम से एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के सागरमल मालवीय ने सभी अतिथियों और अन्य से जन साहस का परिचय कर जितेंद्र सोनरतिया ने जन साहस मानसिक स्वास्थ्य का बेच लगाकर जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अजहर अंसारी जी व प्रदन्या जी प्रोफेशनल काउंसलर ने जेल अधीक्षक श्रीमती हिमानी मनवारे का व अन्य अतिथियों का फलदार पौधे से स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनके द्वारा बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य अधिकार व कानून के बारे में जानकारी दी गई। जन साहस संस्था के काउंसलर श्रीमती विमल दिवेकर व प्रदन्या जी द्वारा बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जा सकती है बताकर काउंसलिंग की जानकारी दी। अंत में सभी का आभार निशा प्रजापति ने व्यक्त किया। और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए अवसर मिला है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के मन में यही भावना होगी कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहती हूँ। हमारे जो साथीगण हैं, हम लोग जन साहस में काम करते हैं। जन साहस एक NGO है जो कि महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के मुद्दों पर काम करते हैं, जिसमें महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा में सपोर्ट करना है और भी जो अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग सपोर्ट का काम करते हैं। साथ में जन साहस हमारा लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा है, जिसमें हम लोग सभी जैसे एजुकेशन विभाग है, महिला बाल विकास है और भी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में मिलकर के हम काम करते हैं। और साथ में आप लोगों के साथ में भी आज हमें अवसर मिला है, जो कि हम लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य में भी हम लोग काम करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य होते हैं जिस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं और अपने देखभाल पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से मिल करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे जो प्रोफेशनल काउंसलर है वो आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। जो है नियंत्रण सिंह मैडम और माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय समाज को निश्चा साहस का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप लोग के बीच में यहाँ पर आऊँ और इस दिवस पर आऊँ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मैंने जैसे हम लोग की जब ट्रेनिंग थी तो डॉक्टर्स की यहाँ भी ट्रेनिंग होती है, तो जो मानसिक जो देखते हैं डॉक्टर साहब उनके यहाँ भी हमारी ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने एक बात कही कि साहब बोले आज के दौर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मानसिक तनाव से ना गुजरता। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए आपको गुस्सा आता है, कहा गुस्सा आता है, बोले ये भी आपके असाधारण उसका वो है। मतलब सोचिए कि आज इस दौर में कोई भी मानसिक तनाव से दूर नहीं है, तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए। जैसे अभी NGO से जो हमारे सभी हैं डॉक्टर साहब आए हैं, जो चीज़ें बताएंगे हम उसको ना अनुसरण करें, क्योंकि मानसिक तनाव हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम अच्छे से जो है अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हम लोग को भी बहुत सारा रहता है, सारी चीज़ें रहती है, सभी को अपने जीवन में तनाव है, तो उन तनाव से दूर कैसे रहा जाए हमें ये कोशिश करनी है। जैसा आप सभी बताएंगे उनका हमें अनुसरण करना है और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। की तरफ से जो है जेल में देने के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, तो पंखे का जो रोबोट देके स्वागत करें।